फर्स्ट क्लास स्टूडेंट फॉर नाउ ओपन योर इंग्लिश सर्कल बुक. द बुक नेम इज़ द इंग्लिश सर्कल, अ ग्रेडेड इंग्लिश कोर्स. मूव टू चैप्टर नंबर 4, अ रेनी डे. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट. टूडे इज मंडे, आज मंडे है. अमन इज वेरी हैप्पी, अमन खुश है. क्यों? क्योंकि उसका गेम क्लास पीरियड है. वो विंडो के बाहर देख रहा है, डार्क क्लाउड्स, घने बादल छाए हुए हैं. ऐसा लगता है कि जल्दी बारिश होगी. वो रेनकोट पहन लेता है, मम्मा उसकी अम्ब्रेला कैरी कर लेते हैं. अमन जोर से आवाज़ आती है, बिजली कड़कती है, उससे डर जाता है वो, और उसकी मम्मा उसका हैंड कस के पकड़ लेते हैं. जल्दी से बारिश शुरू हो जाती है. जो रोड है, सड़क है, पूरी वाटर से फुल हो जाती है. स्कूल बंद है क्योंकि रेनी डे हॉलीडे है. अमन क्या देखता है, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो पेपर बोट बना रहे हैं और बारिश में भीग रहे हैं. जब वो घर वापस आता है, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें को गिरते हुए देखता है. वो कहाँ पे गिरती हैं? हाउसेस पे, ट्रीज़ पे, रोड्स पे. वो सभी को बिल्कुल क्लीन कर देती हैं. ट्रीज़ भी ऐसा लगते हैं जैसे बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन होते हैं. जब अमन घर आता है तो वो अपने आप को टॉवल से सुखाता है, सूखे कपड़े पहनता है. मम्मा उसको क्या देती हैं? दूध का गिलास और एक कपकेक देती हैं. वो खुश होता है. वो विंडो के पास बैठ जाता है और रेनफॉल देखता है. वो कहता है कि कितना लवली रेनी डे है. वो उसको एंजॉय करता है. ठीक है, तो ये इसकी समरी थी. मैंने आपको कल इसकी टेक्निकल करेक्ट आंसर्स करवाए थे. आज हम पहले इसकी क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट बुक वर्क. फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, व्हाट डे इज इट टुडे? टुडे इज मंडे. ये लेसन के अकॉर्डिंग आएगा बच्चे. ओके, लेसन के अकॉर्डिंग बोला था ना उसने स्टार्टिंग में, टुडे इज मंडे, अमन इज हैप्पी बिकॉज ही हैज गेम क्लास टुडे. तो व्हाट डे इज इट टुडे? टुडे इज अ मंडे. व्हाई इज अमन हैप्पी? अमन हैप्पी क्यों है? अमन इज हैप्पी बिकॉज ही हैज गेम क्लास टुडे. क्यों खुश है? क्योंकि आज उसका गेम क्लास का लेक्चर है, गेम क्लास पीरियड है. व्हाट डज अमन सी इन द स्काई? वो स्काई में क्या देखता है? घने बादल छाए हुए हैं. डार्क क्लाउड्स मीन्स घने बादल. अमन सीज डार्क क्लाउड्स इन द स्काई. वेयर डू द रेन ड्रॉप्स फॉल? रेन ड्रॉप्स कहाँ पे गिरती हैं? द रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन हाउसेस, घर पे, ट्रीज एंड रोड्स. What does Mama give Aman? Aman क्या देते, Mama Aman को क्या देते हैं? A warm glass of milk and a cupcake. Mama gives Aman a glass of warm milk and a cupcake. एक उनको दूध का गर्म ग्लास देते हैं पीने के लिए और एक cupcake देते हैं. ठीक है, read it again. First question is what day is today? कौन सा डे है? Today is Monday. Why is Aman happy? क्यों हैप्पी है, क्यों खुश है? Because he has game class today. Because उसका game period है. What does Aman see in the sky? वो क्या देखता है sky में? Dark clouds. Aman sees dark clouds in the sky. Where do the raindrops fall? Raindrops कहाँ पे गिरती हैं? Houses पे, trees पे and roads पे. What does Mama gives Aman? Aman को क्या देते हैं वो? एक glass of warm milk and a कपकेक. ये क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर करने हैं. नेक्स्ट है वोकैबुलरी वर्ड्स. मैच द कॉलम, वन हैज बीन डन फॉर यू. आपके लिए एक उन्होंने सॉल्व करके दिया है, आपने वोकैबुलरी वर्ड्स को मैचिंग करनी है. कप बोर्ड. कप को कोट के साथ तो मैच नहीं कर सकते. कप ड्रॉप भी कुछ नहीं होता. कप टॉप भी कुछ नहीं होता. कप फ्लावर भी कुछ नहीं होता. तो कप बोर्ड, सन फ्लावर, टूथ पेस्ट, रेनकोट, रेन ड्रॉप, कुछ भी हो सकता है. रेनकोट एंड रेन ड्रॉप. डेस्क टॉप. नेक्स्ट है वन मैनी. वन मैनी मैंने आपको ग्रामर में करवाए हैं, वो सेम एज इट इज़ ऐसे ही है. ग्रामर की नोटबुक में मैंने आपको सेकंड चैप्टर कवर करवाया है ना इसका. प्लांट, एक प्लांट को, एक किसी भी एक चीज़ को, सिंगल को वन बोलते हैं. एक से ज़्यादा होती है मैनी. प्लांट, प्लांट्स. यहाँ पे उन्होंने वन नहीं दिया है, मैनी दिया हुआ है. ट्रीज, बहुत सारे पेड़ हैं तो वन क्या होएगा? ट्री. फ्लावर, फ्लावर्स. जार्स, एस लगा है, मीन्स बहुत सारे हैं. सिंगल को जार. नेट, नेट्स.
garden, gardens, pencil, pencils, cake, cakes. Is MR is किसके साथ लगता है? He, she, this, that के साथ. Okay? R किसके साथ लगता है? They, these, those, we, you के साथ. Am, I के साथ. हमेशा I के साथ am ही लगेगा. I am Rita. I, फिर am, they के साथ are. The school bell, single है ये. Is ringing. ये आपको बच्चे में ना English grammar में अच्छे से concept clear करवाऊंगी, क्योंकि ये अभी आपकी समझ में नहीं आएंगे. Rohit is swimming in the pool. We के साथ हमेशा are, going to the park. तो नीचे आपको कुछ words दिए गए हैं, उनके according. I के साथ am लगता है, हमेशा am को underline करना है. She के साथ हमेशा is लगता है, तो is को underline करेंगे. Kites, एक से ज़्यादा हैं, are. My father, मेरे पापा, single हैं, is. There, are, एक से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे भी are. यहाँ पे हम is लगाएंगे क्योंकि एक rainbow है. बहुत सारी rainbows नहीं है, only one rainbow. There is a rainbow. Next, you are filling the blanks with the missing letter to make words from lesson. G-A-E-S, games. M लगाया हमने, games बन गए. ये सारे letters आपको book में से ही मिलेंगे. R-A-I, coat लिखा है, तो it may be raincoat, क्योंकि lesson में हमने पढ़ा है. ये raincoat हो, thunder, T-H-U-N-D-E-R, thunder, rain, drops, clothes, cupcake, okay? तो ऐसे missing words हैं, आपने खुद से try करने हैं इनको. Next है writing. I get up, कितने बजे उठते, time लिखा हुआ है, तो time के according कितने बजे उठते हो, 6 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock. Every morning, सुबह 6 बजे उठती हूँ. I eat food, food से related होना चाहिए कुछ भी. Bread and milk for breakfast. I go to school by vehicle, van से जाते हो, car से जाते हो, bike से जाते हो, जो भी होगा वो आपने यहाँ पे vehicle लिखना है. Why, मैंने van लिखा है, तो आप कोई भी लिख सकते हो. My डैश हेल्प्स मी विद माई होमवर्क, कोई पर्सन, पापा. आप पर्सन्स में कौन होता है? मम्मी, पापा, दादा, दादी, कजन्स. तो मेरे मम्मा मेरे होमवर्क में हेल्प करते हैं. आफ्टर स्कूल आई प्ले, क्या गेम, कोई भी गेम हो सकती है, क्रिकेट, फुटबॉल, लड्डो, स्नैकर्स, जो वट एवर, ठीक है? तो जो आप गेम खेलते हो वो आपने गेम मैंशन करनी है. आई गो टू बेड, कितने बजे सोते हो, फिर टाइमिंग आ गई यहाँ पे. जैसे स्टार्टिंग में टाइमिंग लिखी थी 6 o'clock उठते हो, तो यहाँ पे टाइमिंग 9 o'clock सोते हो. ठीक है बच्चे, I hope you understood this chapter very well. Thank you. Have a nice day.